ओम शांति। 14 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। तुम्हें पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो, तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता, ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। नंबर 2, हम सब भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, लेकिन भाई बहनों से रूठकर कई पढ़ाई छोड़ देते हैं। वह तो सतगुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाबा से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते हैं, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो दूसरों को कैसे कह सकेंगे तुम पढ़ो। ऐसे ऊंच पद से भी वंचित रह जाते हैं। नंबर 3, दुनिया में जो गीत बनाते हैं, जो वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, वो यथार्थ अर्थ को नहीं जानते हैं। इसलिए कहा जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाबा समझाते, तुमने बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए, यज्ञ तप किए, कितना पैसा खर्च किया। अब बाबा समझाते, जीते जी मर कर के बाबा का बनो। नंबर 4, लोग कह देते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा 24 अवतार लेता है। ये तो रॉन्ग है। मुझे बुलाया है पतित पावन, आओ आकर के पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण के साथ, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम्हें पवित्र बनना है। तुम पवित्र बनते हो, बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन सके। नंबर 5, यहाँ स्वयं सुप्रीम टीचर शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बाबा तो यहाँ तक भी कहता है, कोई सख्त बीमार हो, मरने पर भी हो, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर है, अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ला सकते, तो घर में बैठे शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए। नंबर 6, कभी कभी बाबा ना रजिस्टर ले आते हैं और बाबा पूछते हैं, खुद पढ़ाई पढ़ते हो, औरों को भी पढ़ाते हो, अपने पर तुम्हें बड़ी खबरदारी रखनी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। मेहनत है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ना नहीं पढ़ाना भी है। प्रवृत्ति में 8 घंटा भल घर में काम करो, गवर्नमेंट का कायदा भी 8 घंटा काम करने का है। बाबा कहते हैं, फिर तुम शिव बाबा को भी साथ साथ याद करो। सर्विस भी करनी है, गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो सर्विस भी कराती है ना, तुम भी बाबा की सेवा पर हो। नंबर 7, हर एक को देखना है, हम सर्विस की बजाय कहीं डिससर्विस तो नहीं करते। बहुत बच्चे हैं जो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे नहीं करना है, रजिस्टर खराब हो जाएगा, सतगुरु के निंदक बन जाओगे। नंबर 8, माया ने सारी रात तुमको हैरान किया, तुम्हें नींद नहीं आई, तुमने टाइम वेस्ट किया। ये तो माया का फर्ज था, वो तो टकराएगी ज़रूर, बाकी तुम्हारा काम क्या था? बाबा को याद करना और माया को भगाना। कई बच्चे तो थोड़ी सी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वेद लोग कहते हैं ना, दवाई ली तो बीमारी उतलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं, जरा भी बीमारी ने उथल खाई तो वैद्य को ही छोड़ दूसरे वैद्य के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। नंबर 9, बाबा कहते, बच्चे कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, पढ़ाई को नहीं छोड़ो, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, पछताना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार होगा, सजाएं खाएंगे, बात मत पूछो। इसलिए बड़े प्यार से बाबा को याद करते रहो। नंबर 10, देखो दुनिया में गवर्नमेंट भी सैपलिंग लगाती है, लेकिन कांटों का, यहाँ पांडव गवर्नमेंट भी सैपलिंग लगा रही है, दोनों में कितना फर्क है। यहाँ तो पुरानी दुनिया का विनाश तुम देखेंगे। बाबा कहते, बच्चे हम आए हैं सतयुग की स्थापना करने, हम बाबा के साथ हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही है। ये तो समझ की बात है ना, बाप आते ही हैं कईयों की गति सदगति करने के लिए। परमात्मा ने ही ऑर्डिनेंस निकाला है, अब तुम पवित्र बनो। कई कहते हैं, पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति सब समझाना चाहिए। वरदान है आज का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती,
इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बात दूसरा ना कोई यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। स्वमान मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ।